हाय दोस्तों, मैं उषित आपका एन के फिजिक्स क्लास पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैद्युत ऊर्जा के ऊपर आधारित रहेगा। ठीक, देखिए वैद्युत ऊर्जा हमारी हेडिंग क्या रहेगी, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। ठीक, देखिए मान लीजिए हमने एक चालक लिया, इस चालक को हमने किसी बाह्य बैटरी के साथ जोड़ा। ये क्या है, चालक है, इसे हमने मान लीजिए बाह्य बैटरी के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। इधर एक बिंदु ए दे रखा है, इधर एक बिंदु क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक, ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है। ठीक, तो हम कह सकते हैं, माना हम कह सकते हैं, देखिए इसमें क्या रखेंगे, कहने का मतलब ये है, हम कह सकते हैं माना किसी चालक के सिरों को जब बाह्य बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो चालक के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो चालक के सिरों के बीच या कह सकते हैं हम क्या, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक, जिस कारण से चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इसके धनायनों से बार बार टकराते हैं, इसके धनायनों से क्या करते रहते हैं, बार बार टकराते हैं, और टकराने के पश्चात ये क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इन्हें खोई हुई जो ऊर्जा होती है वो मतलब हम कह सकते हैं बैटरी से प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं माना किसी चालक को बाह्य बैटरी के साथ जोड़ा या बैटरी के साथ जोड़ा है। ठीक, तब या कह सकते हैं मतलब जब किसी चालक को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, और गति करते हुए क्या करते हैं, यह बार बार धनायनों के साथ टकराते हैं, टकराने के पश्चात यह अपनी ऊर्जा जो है खो देते हैं। ठीक, यह खोई हुई जो ऊर्जा होती है इन्हें बैटरी से प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, देखिए अगर इसके मात्रक की बात मतलब एक नोट पॉइंट डालेंगे, हम कह सकते हैं जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, वैद्युत ऊर्जा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, और हम बात करें वैद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करें, वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है एक जूल होता है, ठीक, और एक अर्ग होता है, ठीक, और एक और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो हैं वो सभी वैद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं। अगर जूल की बात करें, जूल जो मात्रक है वो मात्रक है MKS पद्धति का, यानी कि जूल जो है वो कौन सी पद्धति का है, MKS पद्धति का है, CGS पद्धति का अर्ग होता है। ठीक, और ये वाला जो होता है वो किसी पद्धति में नहीं आता है। आगे देखिए इसके फार्मूले की बात करें, आपने W बराबर एक फार्मूला पढ़ा था, W बराबर यहाँ पर देखिए दो तीन फार्मूले होते हैं। W बराबर अगर लिखना चाहें मतलब क्या होता है, W बराबर एक फार्मूला होता है, या फिर हम कह सकते हैं B बराबर एक फार्मूला होता है W बटे क्यू वाला। ठीक, अगर यहाँ से W का मान निकाला जाए तो क्या होगा, बी क्यू होगा कि नहीं होगा। एक और फार्मूला होता है I बराबर क्यू बटे टी वाला होता है, अगर Q का मान निकाला जाए तो क्या होगा, आई टी होगा। तो इसकी जगह पर हम लिखना चाहें कितना लिख सकते हैं, W बराबर यहाँ पर क्यू की जगह पे आई टी लिख सकते हैं, बी आई टी होगा। ठीक, और लिखना चाहें मतलब एक और फार्मूला होता है, आर बराबर क्या होता है, बी बटे आई, वी का मान निकालेंगे तो वी बराबर क्या, आर आई निकल के आएगा, ये वाला मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डब्लू बराबर कितना लिख सकते हैं, आई आर का वर्ग होगा और टी होगा। ठीक, ये जितने भी मात्रक हैं वो किसके मात्रक हैं, यानी कि वैद्युत ऊर्जा के सारे मात्रक हैं। ठीक, ठीक, देखिए हेडिंग रहेगी हमारी वैद्युत ऊष्मा, वैद्युत ऊष्मा। ठीक, देखिए जैसे कि हमने वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से क्या होता है, वैद्युत ऊष्मा होती है। मान लीजिए हमने एक चालक लिया और चालक के दोनों सिरों को हमने मान लीजिए बाह्य बैटरी के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। इधर एक बिंदु ए दे रखा है, इधर एक बिंदु क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो हम कह सकते हैं इधर की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तथा इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके धनायनों से क्या रहते हैं, टकराते रहते हैं, और बार बार टकराने के कारण अपनी ऊर्जा क्या कर देते हैं, खोते रहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं जब किसी चालक को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, ये क्या है, बैटरी है। ठीक, बैटरी,
यानी कि जब किसी चालक को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो चालक के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराते रहते हैं और अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं यह ऊर्जा इन्हें बैटरी से प्राप्त होती है, ये तो आपको पता है, हमने पहले ही बताई थी। ठीक, तो क्या है जो मतलब आपस में टकराएंगे जब ऊर्जा खोते हैं तो यह ऊर्जा एक ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं जब किसी चालक को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के साथ बार बार टकराने के कारण अपनी ऊर्जा क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक, और जो ऊर्जा खोते हैं यही ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें मतलब इसे वैद्युत ऊष्मा को नंबर एक में हम लिखेंगे इसे H से प्रदर्शित करेंगे, नंबर दो में हम लिखेंगे अगर हम बात करें 1.42 जूल से उत्पन्न ऊष्मा की बात करें तो मतलब कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, एक कैलोरी। ठीक, इसी प्रकार से हम बात करें एक कैलोरी। ठीक, एक कैलोरी से उत्पन्न ऊष्मा की बात करें तो 1/4.2 जूल प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम बात करें BQ जूल से उत्पन्न जो ऊष्मा होगी, यानी कि BQ जूल से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा कितनी होती है, 1/4.2 कैलोरी। ठीक, कैलोरी। इसी प्रकार से इसके सूत्र की बात करें, H बराबर आपने एक और फार्मूला पढ़ रखा है, H बराबर क्या होता है, BQ। देखिए इसे नंबर 2-3 लिखेंगे, इसे 4 लिखेंगे, इसे 5 लिख सकते हैं। ठीक, 5 में क्या है, 4.2 वाला एक फार्मूला H बराबर पढ़ा है। ठीक, H बराबर एक और फार्मूला पढ़ा है जिसे हम कहते हैं BIT/4.2 पढ़ा है। ठीक, और H बराबर एक और फार्मूला आपने पढ़ा है मतलब I² RT और बटे कितना होता है 4.2। एक और पढ़ा है H बराबर क्या होता है, B² T/4.2। ये किसके फार्मूले होते हैं, मतलब जो टोटल होते हैं ये हीट के, मतलब वैद्युत ऊष्मा के ही फार्मूले होते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी हेडिंग रही वो कौन सी हेडिंग है, वैद्युत ऊष्मा। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैद्युत शक्ति। ठीक, क्या रहेगी, वैद्युत शक्ति हेडिंग रहेगी, वैद्युत शक्ति। इसका जो फार्मूला होता है P=W/T होता है, W यहाँ पर क्या है, कार्य है, तथा T जो है वो क्या है, समय है। ठीक, तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत यंत्र द्वारा, यंत्र की बात करें जैसे कूलर पंखा वगैरह होता है, किसी वैद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होगी। तो एक नंबर एक करके लिखेंगे, यह एक अदिश राशि होती है, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसके मात्रक की बात करें, आपने फार्मूला P=W/T वाला पढ़ा, इसका मात्रक कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक, तो इसका मात्रक ये हो गया। इसी प्रकार से बीमा की बात करें, कार्य की बीमा (mL²T/2) होती है और समय की बीमा क्या होती है, टी होती है। ठीक, तो (mL²T/3) क्या हो गई, इसकी बीमा हो गई। और आगे बात करें, आपने P=W जो फार्मूला W/T पढ़ा रखा है, ठीक, ये मतलब ये नंबर 3 में, इसका 2 में मात्रक हो गया, नंबर 3 में बीमा हो गई, नंबर 4। ठीक, देखिए W=, आपने फार्मूला पढ़ा है, सॉरी यानी कि B=, क्या पढ़ा है, W/Q। अगर W का मान निकालेंगे, W= क्या होगा, BQ होगा। तो यहाँ पर P= क्या लिख सकते हैं, इसका मान यानी कि BQ/T लिख सकते हैं। ठीक, या करके Q=, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वैद्युत धारा I= क्या होता है, Q/T होता है। यहाँ से अगर Q का मान निकालेंगे तो IT होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर लिखना चाहें तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह पे यहाँ पर मतलब BIT/T क्या होगा, T होगा, T से टी कट जाएगा तो BI निकल के आएगा। ठीक, और आगे अगर P बराबर लिखना चाहें, मतलब
आई की जगह पे लिखना चाहें, आपने फार्मूला पढ़ा है, आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर वाला, ठीक, वी का मान निकाला जाए तो क्या होगा, आई आर होगा। और यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर जो निकल के आया था वी आई, तो पी बराबर वी का मान हमने कितना निकाला, आई आर और आई, तो मतलब क्या होगा, आई का वर्ग आर, ठीक, पी बराबर ये निकल के आ गया। और देखिए एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखना चाहें आर बराबर एक फार्मूला होता है वी बटे आई वाला, अगर हम यहाँ से आई का मान निकालें तो आई बराबर क्या होगा, वी बटे आर होगा, तो इसकी जगह पे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना चाहें, यहाँ लिख रहे हैं पी बराबर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे रखेंगे तो वी का वर्ग बटे आर और इनटू क्या दे रखा आर, इससे ये कट जाएगा एक आर से आर, ठीक, तो यहाँ पर पी बराबर कितना निकल के आएगा, वी बटे आर। ये जो हैं वो सारे के सारे वैद्युत शक्ति के ही मात्रक हैं, ठीक। क्या हेडिंग रहेगी, किलो वाट घंटा, यानी कि किलो वाट घंटा, ठीक। देखिए किलो वाट घंटा में हम कह सकते हैं वैद्युत ऊर्जा मापने का एक बड़ा मात्रक होता है, ठीक, यह वैद्युत ऊर्जा मापने का कैसा बड़ा मात्रक होता है, इसके द्वारा कारखानों घरों में व्यय ऊर्जा क्या होती है, मापी जाती है, ठीक, यही क्या होता है किलोवाट घंटा, ठीक। देखिए अगर इसे हम बात करें नंबर एक में, मतलब इसे हम के डब्ल्यू एच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं बी टी यू से भी इसे दर्शाते हैं, या फिर यूनिट कह सकते हैं, ठीक। नंबर दो में क्या लिखेंगे, यू नेट, ठीक, नंबर दो में। अगले पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका एक डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है बी आई टी बटे 1000, ठीक, जिसे हम कहते हैं किलो वाट घंटा, मतलब किलो वाट घंटा कह सकते हैं, ठीक, घंटा। आगे देखिए अगला जो रहेगा हमारी हेडिंग, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा या जूल में संबंध, या जूल में संबंध, इसके संबंध की बात करें, एक किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, एक किलो वाट घंटा, ठीक, एक किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, अगर बात करें तो यहाँ पर एक किलो वाट घंटा बराबर हम लिखना चाहें, एक किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा यहाँ पर, यानी कि 1000, ठीक, और इनटू इसे सेकंड में चेंज करें तो 3600 सेकंड, मतलब वाट इनटू क्या होगा, सेकंड, ठीक, वाट इनटू सेकंड, ठीक। आगे इसे लिखना चाहें, मतलब यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पर 10 जो 1000 हैं इसे लिख सकते हैं 10^3 और 36 × 10^2 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, वाट इनटू क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक। इसी प्रकार से लिख सकते हैं 10^5 इनटू 36 वाट इनटू सेकंड, इसे लिखना चाहें तो हम 3.6 × 10^6 भी कर सकते हैं, वाट इनटू क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक, या इसे हम जूल में लिख सकते हैं 3.6 × 10^ जूल, ठीक, बात एक ही चीज़ है। ये हमारा टॉपिक आज फिनिश हो गया, ठीक, थोड़ा और रहेगा वो हम अगले वीडियो में करा देंगे, बस चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल चलाएंगे इसी चैप्टर के, ठीक।